यू आर के साथ आप देख रहे हैं एक्टिविटी। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि किस तरह हम पाकिस्तान में अपने महीने की सौदे की खरीदारी करते हैं। ठीक है जी, महीने की 28 30 तारीख हुई, 2 तारीख हुई, 3 तारीख हुई, तो जो छुट्टी वाला दिन आया उस वक्त हम खरीदारी करते हैं। मैं आपको कुछ सामान दिखाता हूँ जो हम अमूमी तौर पर इस्तेमाल करते हैं या हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, वही आटा, दाल, चावल, चीनी, नूडल, कुकिंग ऑयल, चाय बनाने का खास कोई मिल्क पाउडर हो गया, कुछ खास मसाले जात हो गए, रेडीमेड हो गए, चिली गार्लिक सॉस वगैरह हो गया, टमाटो केचप हो गया। ठीक है, मैं इनकी एक लुक दिखाता हूँ आपको। देखिए ये आटा है, ये बड़ा ज़बरदस्त है, इसकी रोटी नरम रहती है, अच्छी है, और ये स्टोर भी है, ये इनके आज इनका अपनी अपना होता है। फिर ये पूनम की शुगर होती है, शुगर तो शुगर है, चीनी है, सफ़ेद चीनी, रिफाइंड चीनी। केचप मैंने आपको दिखाया, कनौर या नौर नूडल, ये तो बाहर का होता है मेरे सामने ब्रांड। ये कुकिंग ऑयल हो गया, ये जनाब हो गया कुकिंग ऑयल, ये मैं लाया हूँ कनौला, क्योंकि मेरी अम्मी को थोड़ा जो है ब्लड प्रेशर और शुगर और कुछ डिग्री शरियानों में रुकावट का कुछ इशू है, तो इस वजह से हम जो है ये वाला इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे, ये या सनफ्लावर। इसके अलावा ये जो मैंने बताया, ये एवरीडे मिल्क पाउडर हो गया, फिर ये चीनी वगैरह। अब हम करते किस तरह इस चीज़ को, जरा हम करते इस तरह से हैं कि हम अपना एक लिस्ट बना लेंगे सौदे की, जो लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, हम वो लिस्ट बना लेंगे। फिर हमारा टिपिकल तरीका होता है, हमारी लिस्ट बनाने के बाद हमें बाद में फैमिली में घर में याद आता है, अरे फलां चीज़ तो रह गई, कुछ एक दो आप अपनी तरफ से ले आते हो, अरे यार ये चीज़ तो घर में कम, और कुछ चीज़ें फिर होता है फ़ोन पर हमें मैसेज कर दिया जाता है या कॉल कर दी जाती है, भाई ये चीज़ रह गई है जो सौदे में आने से। तो ये हमारा जो टिपिकल था ना, बहुत टिपिकल क्या कहते हैं, मखसूस सा हमारा तरीका कहा रहे हैं। अब मैं आपको लिस्टें दिखाता हूँ, रसीदें दिखाता हूँ जहाँ से हम ये ख़रीदारी करते हैं, ताकि पाकिस्तान में हम किस तरह से इन चीज़ों को करते हैं आपको इसको अंदाज़ा हो सके, आप भी एक्सपीरियंस कर सकें, क्योंकि मुझे इस किस्म की अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, तजर्बात, रोज़मर्रा की चीज़ें शेयर करने का, आपस में बांटने का, दूसरों को दिखाने का शौक़ है, बताने का शौक़ है, इसी तरह दूसरों से जानने का शौक़ है कि मैं भी ऐसी चीज़ें देखो दुनिया में ये चीज़ें कैसी होती हैं। तो मैं अब आपको वो लिस्ट वगैरह दिखाता हूँ जो हम लेके जाते हैं, फिर क्योंकि हर घर में कुछ दवाइयों वगैरह की रेगुलर ज़रूरत होती है, जो भी कोई मरीज़ होगा उनके लिए, मेरी वालदा हैं, वो अम्मी हैं, उनको कुछ दवाइयों की ज़रूरत होती है, तो वो एक ही जगह से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हाँ मैं गोश्त मुख्तलिफ़ जगह से लाता हूँ, क्योंकि ये जो मैंने अभी आपको दिखाया ये इम्तियाज़ ब्रांड, इनका यार वो गोश्त वगैरह मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मेट्रो में हम जाते हैं तो वो जो रैक ऐसे लगे होते हैं, आप अपनी मर्जी का गोश्त निकालो, उनको दे दो, कटवा लो, ले जाओ, पैक करवा लो। ये इम्तियाज़ में गोश्त वगैरह काउंटर्स के अंदर रखा होता है, तो उनको आप बोलो तो वो कहते हैं ये जैसे मैं इस वक्त ये शीशे की टेबल है, इसके पीछे रखा हो, ये दे दो, ये दे दो, वो रैंडमली जो है ना, जो है रैंडमली का मुझे उर्दू याद नहीं आ रही, क्योंकि हमारे उर्दू में बहुत से अफराद अल्फाज जो इंग्लिश के बोले जाते हैं, तो वो रैंडमली जो वो निकाल लेता है, उसमें आपकी पसंद का गोश्त हो ना हो, चिकन छोटी हो बड़ी हो, हड्डी वाला गोश्त हो बगैर हड्डी वाला गोश्त हो, हाथ का गोश्त हो, सीने का गोश्त हो, कमर का गोश्त हो, ये बड़ा जो है मुश्किल होता है। तो गोश्त वगैरह मैं मेट्रो से लेता हूँ, रेट मेट्रो के मुकाबले थोड़े से ऊपर होते हैं, हमारे जो लोकल स्टोर्स हैं उनके मुकाबले में, इम्तियाज़, चेज़ हो गया, बिन हाशिम हो गया, अल जदीद सुपर स्टोर हो गया, और भी खुले हुए हैं, ये मुझे दो तीन याद है, वो है मेरे ख्याल में केयरफोर दुबई से चल रही है, वो हो गया, तो केयरफोर है, मेट्रो का रेट हाई होते हैं, गोश्त या तमाम चीज़ों में, और इनके थोड़े जो होते हैं। अब मैं आपको वो बार बार मैं रिपीट करूँ, तो रसीदें दिखाने लगे, ये हैं वो रसीदें
जो हम लिख लेते हैं ये मेरी वालदा की दवाई वगैरह है, मेडिसन है, फिर इसमें जो इंसुलिन वगैरह लगती है उनको, उसके नीडल्स वगैरह हैं, ये शुगर चेक करने की स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। ये मेट्रो से फ़िलहाल जो मैंने चिकन वगैरह ली, फिर मुझे एक दो चीज़ें याद आ गईं कि यार यार शिमला मिर्च चाहिए, क्योंकि नूडल में आप शिमला मिर्च मिला के खाओ वो मैं उसकी वीडियो, क्योंकि खाने का कुकिंग का भी मुझे शौक़ है। जब वो सीरीज़ मैं अपने चैनल्स पे सीरीज़ स्टार्ट करता जा रहा हूँ, बढ़ाऊँगा तो मैं बताऊँगा उसका क्या मज़ा है। कैप्सिकम का ना, ठीक है। फिर वो गिलास कुछ ख़त्म हो रहे थे, आम इस्तेमाल के घर में गिलास ख़त्म हो रहे थे, तो वो ये मैंने ले लिए। ये रसीद है भाई इम्तियाज़ स्टोर की, अब ये उस रसीद से ज़्यादा है जो मैंने अभी आपको हैंड रिटन घर की दिखाई। क्यों? क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ें बाद में याद आती हैं। मेडिसिन की इम्तियाज़ स्टोर क्या है, 3 जून, ठीक है। अच्छा, अब इम्तियाज़ स्टोर का जहाँ मैंने जिक्र किया है, तो इसकी मेडिसिन रिटर्न पॉलिसी के बारे में मैं अभी कैप्चर कर रहा हूँ, इसको एक अपनी अलग वीडियो में बताऊँगा कि मैं क्या बताना चाहूँ। थैंक यू फॉर शॉपिंग एट इम्तियाज़ द रीजन चेन ऑफ पाकिस्तान, प्लीज़ कीप दिस रिसीट फॉर द पर्पस ऑफ रिटर्न एंड एक्सचेंज विच इज़ ओनली अलाउड विद इन 14 days ऑफ शॉपिंग। फ्रेश फ्रोजन फार्मेसी आइटम्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर रिटर्न और एक्सचेंज, अदर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो ये जो है ना इनकी, कि फार्मेसी आइटम नहीं अप्लाई होंगे, इस पर मुझे बड़ा तहफ़ है, रिजर्वेशन है। मैं आपको उस वीडियो में बताऊँगा कि मेरा इससे क्या मकसद है। थोड़ा सा वो कहते हैं ना लबे लबाब बता दूँ, क्रक्स ऑफ द आर्गुमेंट, कि मैं इससे शदीद जो है इख्तलाफ़ करता हूँ। मुझे इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है पिछले महीने, कि आप इंसुलिन वगैरह देते हैं वो इन्होंने तब्दील करनी थी मुझे ना, एक दो दिन के बाद में किया। बोले नहीं लेते भाई, आपने कैसे सेव किए, आप जब ख़ुद हमें इंसुलिन देते हो तो भाई छोटी सी बर्फ़ पकड़ा देते हो, इसके साथ ले जाएं तो वो जायज़ है, हम ले के आएँ तो गलत है। ये भाई बहुत नाजायज़ टफ़ पॉलिसी है। चलें ये फिर नेक्स्ट के लिए। तो इन तमाम चीज़ों के साथ ये आप देख रहे हैं, ये तो मैंने थोड़ा सा सौदा दिखाया है ना, सारा सौदा मैं टेबल पे नहीं डिस्प्ले कर सकता था, ठीक है। Did
Thank you.
Thank you.
Beep, 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 beep.